हेलो स्टूडेंट्स, आरसीए एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि रसायन में लेसन नंबर 6 अम्ले एवं लवण प्रभावित मृदाएं डिस्कस कर रहे थे। इसमें आज का टॉपिक है लवणीय क्षारीय मृदाओं में सुधार। पिछली क्लास में लवणीय क्षारीय मृदाओं की पहचान और उनमें अंतर डिस्कस किया था। आज जब अपने पास में मृदा लवणीय क्षारीय हो जाती है तो उसमें किन विधियों के द्वारा सुधार किया जाता है, इसके बारे में अपन ने अंतर में भी जिक्र किया था। तो देखिए बच्चों, मुख्यतः लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं में सुधार के लिए तीन विधियां काम में ली जाती है। कितनी विधियां? तीन विधियां काम में ली जाती है। पहली विधि है भौतिक एवं जल तकनीक विधि, भौतिक एवं जल तकनीक विधि। द्वितीय विधि है रासायनिक सुधार विधि और तृतीय विधि है जैविक सुधार विधि। आज की क्लास में अपन मुख्यतः भौतिक एवं जल तकनीक विधि के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसको भी अपन ने दो भागों में तोड़ लिया। भौतिक विधियां अलग पढ़ेंगे अपन और जल तकनीक विधियां अलग पढ़ेंगे। तो यहां पर देखिए, भौतिक विधियां और दूसरी जल तकनीक विधियां। तो देखो बेटा, भौतिक विधियों में, भौतिक का मतलब होता है किसी साधन के द्वारा, किसी साधन के द्वारा जो विधियां प्रयुक्त की जाती है उनको कहेंगे अपन भौतिक विधियां या यांत्रिक विधियां भी कह सकते हैं, गहरी जुताई करके। अब देखिए बेटा, सामान्यतः खेत में क्षारीय लवणीय मृदा हो जाने पर ऊपर की सतह पर क्या होंगे, लवण जमा हो जाएंगे। जैसे देखिए, ये अपना खेत है, अब इसमें ऊपर क्या हो जाएंगे आपके, लवण जमा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लवण जमा हो जाएंगे। अगर अपन गहरी जुताई करेंगे, क्या करेंगे, गहरी जुताई करेंगे, तो नीचे की मृदा क्या हो जाएगी, ऊपर, ऊपर की मृदा क्या हो जाएगी, नीचे, जिससे लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं में सुधार संभव है। फिर है अवमृदा की गहरी जुताई। कहने का मतलब, ऊपर की जो पृष्ठीय मृदा होती है उसको क्या कहा जाता है, अवमृदा। ऊपर की पृष्ठीय मृदा को क्या कहा जाता है, अवमृदा कहा जाता है, जिसमें गहरी जुताई करने पर क्या होता है, लवणीय एवं क्षारीय मृदा में सुधार संभव है। नेक्स्ट है अपने पास में बालू भरावन। अगर अपन उस मृदा को वहीं पे भर दें, उस मृदा को वहीं पर भर दें, मतलब उस मृदा की सतह पर अन्य तरह की मृदा डाल दें, जिसको कहा जाता है बालू भरावन, तो उस मृदा का प्रभाव खत्म हो जाएगा, लवणीय एवं क्षारीय मृदा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। क्लियर बेटा? आगे देखिए, प्रोफाइल का उलटना पलटना। प्रोफाइल का मतलब होता है अपने मृदा की सतह पर बहुत सारे स्तर होते हैं, ए स्तर, A1, A2, A3, B1, B2, B3, SR, ऐसे बहुत सारे स्तर होते हैं, इसको मृदा प्रोफाइल कहा जाता है, मृदा प्रोफाइल कहा जाता है, या मृदा परिच्छेदिका भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मृदा परिच्छेदिका भी कहते हैं। क्लियर बच्चों? तो इस मृदा प्रोफाइल को अगर अपन उलट देंगे, पलट देंगे, मेन बात वही है जुताई, इन चीज क्या है, जुताई करना। अगर सही तरीके से जुताई की जाती है तो सतह पर उपस्थित लवण नीचे चले जाते हैं और नीचे की मृदा के लवण कहां जाते हैं, ऊपर, जिससे क्या हो जाता है, सुधार हो जाता है। मुख्यतः ये जो विधियां हैं इनमें क्या बढ़ जाता है, जल अंत स्पंदन क्षमता बढ़ जाती है तथा जल एवं वायु पारगम्यता भी बढ़ जाती है। अगर ये गुण बढ़ जाएंगे तो मृदाओं में सुधार 101% होगा ही होगा, जिसमें अपन ने मुख्यतः भौतिक विधियां, गहरी जुताई, अवमृदा गहरी जुताई, बालू भरावन और प्रोफाइल का उलटना पलटना काम में ली है। क्लियर बच्चों? अब आपका इसका दूसरा पार्ट कौन सा है, जल तकनीक विधि। कौन सा है? जल तकनीक विधि, जिसमें देखिए आप अपने पास में टोटल 5, इसमें अपन बिंदु काम में लेंगे, 5 विधियां काम में लेंगे। सबसे पहले देखो, मृदा की सतह को खुरचकर, मृदा की सतह को खुरचकर, ये अपने पास में अपना खेत है, इस खेत की मृदा, ऊपर की मृदा को अपन क्या करेंगे, खुरच देंगे, कितना, 15 से 30 सेंटीमीटर, कितना, 15 से 30 सेंटीमीटर। उस मृदा को वहीं से हटा देंगे, हटाने के बाद में नीचे की सतह को जुताई करके अपन उसको तैयार कर लेंगे, जिससे जो अपनी लवणीय एवं क्षारीय मृदा हुई थी वो हट जाएगी और अपने पास में नई मृदा आ जाएगी, इससे
मृदा में क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा, परंतु इस विधि में क्या है, खर्चा अधिक होता है, राइट। तो इसलिए ये उपयोगी तो है परंतु खर्चा अधिक होता है। फिर आता है आपका निक्षालन, ये आपकी मुख्य विधि है। क्या है? निक्षालन। देखिए बच्चों, निक्षालन का मतलब मैं समझा चुका आपको पहले। निक्षालन का मतलब होता है, इंग्लिश में कहें लीचिंग और सामान्य भाषा में कहें तो धोना, मतलब मृदा की सतह पर जो लवण उपस्थित है उनको अपन पानी के साथ कहां भेज देंगे, नीचे की सतह पर। पानी के साथ कहां भेज देंगे, नीचे की सतह पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, लवण को जल में घोलेंगे, या तो उसमें क्या कर देंगे अपन, जल भर देंगे या वर्षा का जल आएगा। तो सबसे पहले जो लवण जमा है उनको क्या करेंगे अपन, जल में घोल देंगे, घुल दे। उसके बाद धीरे धीरे वो कहां पर चले जाएंगे, पादप जड़ क्षेत्र में चले जाएंगे। तो धीरे धीरे उस मृदा की सतह से लवण की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसको अपन किससे, निक्षालन मांग, किससे, निक्षालन मांग। अब निक्षालन मांग क्या होती है कि यदि किसी मृदा में उपस्थित पादप जो होते हैं उन पादप की जड़ों में लवण की कमी होती है, उसके अनुसार उसकी सतह से वो लवण को अपनी तरफ खींच के ले जाती है, उसको कहा जाता है निक्षालन मांग। ऊपर लवण ज्यादा है, जड़ की ओर लवण कम है, तो जब लवण जल में विलयशील हो जाएंगे तो उन लवणों को जड़ अपनी ओर क्या करेगी, आकर्षित करेगी, खींचेगी, उसको कहा जाता है निक्षालन मांग। आगे बात समझ में। फिर आते अपने पास में खाई खोदकर। देखिए बेटा इसको अपन कैसे समझेंगे, खाई खोदकर अपन बात करें तो देखिए इधर ये अपने पास में खेत है अपना। इस खेत में अपन इस तरीके से ये यहां पर खाई खोद दी अपन ने, यहां पर खाई खोद दी, और इसकी मिट्टी को अपन ने यहां पर डाल दिया, इसकी मिट्टी को अपन ने यहां पर डाल दिया, इसकी मिट्टी को अपन ने यहां पर डाल दिया, इसकी मिट्टी को अपन ने यहां पर डाल दिया। एक तरह से कहा जाए तो इस क्रिया में अपन ने जो ये पॉइंट पढ़ा है यांत्रिक विधियों में, ये कौन सा है, प्रोफाइल का उलटना पलटना। तो क्या होगा, इस खाई को खोदने से क्या होगा, यहां पर पानी भरेगा, इसमें क्या भरेगा बेटा, पानी भरेगा। पानी भरेगा तो पानी के साथ में इस मृदा में जो लवण है वो बहकर चले जाएंगे, और धीरे धीरे ये आपका जो खाई है वो भी भर जाएगी और आपकी मृदा उल्टी पुल्टी हो जाएगी, जिससे लवणों में कमी आएगी, अतः लवणीय और क्षारीय मृदाओं में सुधार हो जाएगा। आगे बात समझ में। आगे देखिए, विलेय लवणों को ऊपरी सतह से बहाना। जितने भी लवणीय और क्षारीय मृदा में विलयशील लवण है, क्या कहा मैंने, जितने भी लवणीय और क्षारीय मृदा की सतह पर विलयशील लवण है उनको अपन क्या करेंगे, पानी भरकर या वर्षा के जल के साथ में क्या कहेंगे, बहाकर। तो बहाने के लिए अपन क्या चाहिए, जल का निकास चाहिए। अच्छा जल का निकास होगा तो मृदा की सतह पर जमा हुए विलयशील लवण पानी के साथ बह जाएंगे, जिससे उनकी कमी हो जाएगी और धीरे धीरे मृदा में क्या आ जाएगा, सुधार आ जाएगा। इसके बाद विधि अपने पास में जल निकास विधि। कौन सी विधि है, जल निकास विधि। इसके लिए अपन दो विधियां काम में लेते हैं बेटा, खुला जल निकास और टाइल द्वारा जल निकास। कौन सा, खुला जल निकास और टाइल द्वारा जल निकास। तो देखिए बेटा इसको समझिए ध्यान से, खुला जल निकास क्या होता है, सामान्यतः अपने खेत में इस तरह की मेड़बंदी होती है, जब यहां पर बारिश का पानी आता है, वर्षा का पानी आता है, तो नियत जगह से उनको निकाल दिया जाता है, इसको कहा जाता है खुला जल निकास। क्या कहा जाता है इसको, खुला जल निकास। बेटा देखिए अपना खेत है, इसमें मेड़बंदी हो रही है। अब मेड़बंदी है तो उस मेड़ को अपन एक नियत जगह पर क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तोड़ देंगे तो धीरे धीरे वहां से पानी बाहर हो जाएगा, तो उसको कहेंगे खुला जल निकास। अब अपन यहां पर टेक्निक यूज करेंगे, तकनीक यूज करेंगे। जो तकनीक यूज करेंगे यहां पर, उस तकनीक में कौन सी, टाइल द्वारा जल निकास, टाइल द्वारा जल निकास करने पर क्या किया जाएगा,
अपना खेत चारों तरफ क्या रहेगा, मेड़बंदी रहेगी। अब इसमें अपन क्या करेंगे, इस तरह से इस तरह से खाई खोदकर यहां पर पाइप अपने खेत के आकार के अनुसार उसमें अंडरग्राउंड खोदकर नीचे पाइप अपन क्या कर देंगे, फिट कर देंगे। मतलब एक टाइल, मतलब एक अपन जो नाली बनाते हैं ईंटों की, उस तरह की यहां पर एक नाली बनेगी कि नहीं, मतलब ये नाली बनेगी। अब इन नालियों के सिरों पर कौन सी जालीदार अपन क्या लगा देंगे, छनित्र लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा, छनित्र लगा देंगे, जिससे इसमें पेड़ पौधे के अवशेष व अन्य चीजें नहीं आएगी, केवल जल ही छनकर इन पाइपों में आएगा। फिर इसके बाद में ये जल धीरे धीरे तीनों का मिलाकर एक पाइप में आ जाएगा और यहां पर एक मुख्य क्या होगा, निकास द्वार होगा। क्या होगा, निकास द्वार होगा। दोबारा समझिए, अपना पूरा खेत क्या है, मेड़बंदी कर रखा है, अपन ने निर्धारित दूरी पर क्या कर दिए, ईंटों की जो अपने पास में पैकिंग नाली है वो अपन ने बना दी अंडरग्राउंड, और उसके एक सिरे पर क्या लगा दिए, छनित्र लगा दिए। अब इस पूरे खेत में जब पानी भरेगा तो पानी धीरे धीरे इन छनित्र में से छनकर इन पाइप में से होता हुआ इस मुख्य पाइप में आएगा और यहां से कहां निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसको कहा जाता है टाइल द्वारा जल निकास। इस तरह से इन विधियों में कौन सी, भौतिक और जल तकनीक विधियों के द्वारा क्या किया जा सकता है, लवणीय एवं क्षारीय मृदा में सुधार किया जा सकता है। क्लियर बेटा, ये अपना थोड़ा लंबा टॉपिक चलेगा, आज इसको अपन ने पार्ट ए नाम दिया है। कल अपन बात करेंगे इसमें रासायनिक सुधार, जो पार्ट बी में वो भी लंबा चलेगा, उसमें लगभग 11, 12, 13 आपके रासायनिक सुधारक प्रयुक्त करेंगे, उनकी रासायनिक अभिक्रिया समझेंगे, तो ये टॉपिक बहुत लंबा चलेगा, ध्यान से समझिएगा। उम्मीद है कि आज का ये पहला आपका सुधार तकनीक है, भौतिक एवं जल तकनीक विधि आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।